तो सनविक्रम, मेरा सवाल। किसी भालापुर राज्य में कोई महाराजा रहा करते थे। उनका एक ही पुत्र था। पुत्र की अच्छी शिक्षा के लिए वे महाराज एक अच्छे गुरु की तलाश कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद एक दिन सैनिक आकर कहता है, महाराज पश्चिम दिशा में पहाड़ी के उस पार एक छोटा सा नगर है, जहां एक गुणवान गुरुजी रहते हैं। वे बहुत ही कम बालकों को अपना शिष्य बनाते हैं। यह सुनकर महाराज देर न करते हुए अगले ही दिन उन गुरुजी के पास जाते हैं। वे गुरुजी न्यायप्रिय और ईमानदार थे। नगर के लोग उनका बहुत ही आदर सत्कार किया करते थे। वे अपने शिष्यों को बुद्धि का ज्ञान देने के अलावा सभी अस्त्र शस्त्र में निपुण किया करते थे। जब महाराज गुरुजी के पास आते हैं, तब वे कहते हैं, गुरुजी यह मेरा एक लौता पुत्र है, इसे भी आप अपना शिष्य बनाने की कृपा करें। ठीक है, ऐसा कहकर वे महाराज अपने पुत्र को गुरुजी के पास छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद महाराज का मंत्री किसी दूसरे नगर से आता है। जब उसे पता चलता है कि महाराज का पुत्र पश्चिम दिशा के उस नगर के गुरुजी से शिक्षा ले रहे हैं, तो वह मंत्री महाराज को याद दिलाता है, महाराज उन गुरुजी से हमारी पुरानी शत्रुता है, वे आपके पुत्र को किसी तरह की हानि पहुंचा सकते हैं। हमें यह ज्ञात नहीं था, लेकिन हमने अपने कुछ सैनिकों को पुत्र की सुरक्षा के लिए तैनात किया है। कुछ दिनों के बाद एक दिन सैनिक आकर महाराज को बताता है, गुरुजी ने आपके पुत्र को नदी में ढकेल दिया था, समय रहते हमने उन्हें बचा लिया। यह जानकर महाराज देर न करते हुए गुरुजी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, आपने आखिर शत्रुता का रंग दिखा ही दिया हमारे पुत्र को मारने की कोशिश करके। महाराज ने गुरुजी को बहुत बुरा भला कहा। अंत में गुरुजी कहते हैं, आप अपने पुत्र को लेकर चले जाएं, मैं अब उसे शिक्षा नहीं दे सकता। तो बता विक्रम, क्या गुरुजी अभी भी उस महाराज से कोई बदला लेना चाहते थे? तो सुन बेताल, गुरुजी एक न्यायप्रिय और ईमानदार व्यक्ति थे और नगर के लोग उनका आदर सत्कार भी किया करते थे। गुरुजी न्यायप्रिय थे, वे जानते थे बदला केवल उसी से लिया जाता है जिससे शत्रुता हो, ना कि दुश्मन के परिवार वालों से। बिना घाव के अस्त्र शस्त्र नहीं सीखे जा सकते। किसी भी चीज को सीखने के लिए उस चीज का भय नहीं होना चाहिए। नदी में तैरने के लिए डूबने का भय नहीं होना चाहिए। जब गुरुजी ने महाराज के पुत्र को नदी में ढकेला, तो यह करते देख सैनिक उन्हें गलत समझ बैठे, इसलिए गुरुजी ने उनके पुत्र को शिक्षा देने से मना कर दिया। सही जवाब विक्रम, लेकिन तू बोला मैं चला।